अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हियर इज़ योर बुक द ग्रामर ट्री। सो लेट्स ओपन योर बुक्स। चैप्टर नंबर वन, नाउंस वन, कंपाउंड नाउंस। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर वन। हमने अपने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर वन कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट कॉमन नाउंस, प्रॉपर नाउंस, कलेक्टिव नाउंस and compound nouns, okay, and we have also solved their relative exercises, exercise A and exercise B. So today we are going to start chapter number 2, that is nouns 2. Second part hai nouns ka, first part humne compound nouns chapter number 1 padha. Now it's the second part of nouns 2, countable and uncountable, countable and uncountable. So students, countable or uncountable, इन nouns के related पढ़ने से पहले हम लोग singular nouns और plural nouns को study कर लेंगे, ठीक है? Singular means one, plural means more than one, यानी singular का मतलब है एक चीज़, ठीक है, और plural का mean है एक से ज़्यादा, ठीक है। उर्दू में हम पढ़ते हैं ना वाहिद जमा, सो सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा, ओके। रिवीजन, लेट्स स्टार्ट। यू नो दैट अ नाउन विच रेफर्स टू वन थिंग और पर्सन इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। जी, कह रहे हैं कि जब आपको कोई भी ऐसा नाउन जो किसी एक चीज़ या किसी एक शख्स को रेफ़र करता है, उसके मतलब कि बताता है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव वन पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, यानी अब वन, ये नाउन्स जो हैं ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि मेरे पास कितने एक, ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। And when a noun refers to more than one thing or person of the same kind, it is said to be in the plural form. यानी जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो means they are in plural form, के वो जमा हैं, ज़्यादा हैं। Most common nouns therefore have a singular form and a plural form. जी, यहाँ पर students common noun और proper nouns के related हैं। common nouns को बता रहे हैं कि common nouns singular form में भी मौजूद होते हैं और plural form में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। हमने common nouns क्या पढ़े थे, जो आम चीज़ों के names होते हैं, ठीक है, general names of things. Second, plural forms of proper nouns in proper nouns are not usually used in the plural. You will learn the use of the plural forms of proper nouns in higher classes. Yes, any proper nouns जो होते हैं उनके ज़्यादातर जो है उनकी plural forms हमें नहीं मिलती। proper nouns कौन से होते हैं, जो ख़ास चीज़ जगह के names होते हैं, ठीक है, उनके हमें बहुत कम plural forms मिलती हैं, ठीक है, और इसके related आप next higher classes में जाकर पढ़ेंगे, study करेंगे। Some nouns have the same form for both this plural and the singular. Yes, कुछ ऐसे nouns होती हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब याद है, एग्जांपल इज़ अ डियर इज़ अ जेंटल एनिमल, आई हैव सी मैनी डियर व्हेन आई वेंट टू अ फॉर्म। अब फर्स्ट कहती है डियर इज़ अ जेंटल एनिमल, ठीक है, डियर कहते हैं जी हिरन को। अब वो कह रहे हैं हिरन एक शरीफ जानवर है, मतलब डिसेंट एनिमल है, ठीक है। अब वो एक डियर सिंगुलर है, यहाँ पर डियर एज ए सिंगुलर यूज़ हुआ। अब सेकंड में आई हैव सी मैनी डियर व्हेन आई वेंट टू अ फॉर्म, मैंने बहुत सारे हिरन देखे जब मैं फॉर्म की तरफ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है तो यहाँ पर भी डियर ही यूज़ हुआ है, यानी डियर के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है, सेम होती है।
सम सच नाउन्स आर शीप, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, चाइनीज. यानी इसके अलावा जो नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? शीप, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, चाइनीज. ये जो नाउन्स हैं ये भी इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है. डन स्टूडेंट. सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर कहते हैं जिसमें नाउन एक चीज़ को रेफ़र करता है, और प्लूरल फॉर्म जिसमें नाउन मोर देन वन थिंग्स को रेफ़र करते हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र करता है, उसको हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं. कॉमन नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स मिलती हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन्स की बहुत रेयर मिलती हैं. ठीक है, और इसके रिलेटेड आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. देन हमने पढ़ा कि जो हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम होती हैं. ठीक है, उनके हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, शीप, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर एंड चाइनीज. सो हेयर इज एक्सरसाइज ए. एक्सरसाइज ए इज टोटली रिलेटेड टू सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. ओके, स्टेट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स. नीचे जो नाउन्स अंडरलाइन हुए हैं हमने उनमें बताना है कौन सा नाउन जो सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट, मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो. ठीक है, यानी इंसान को अपनी रोजी रोटी जो है वो मेहनत से कमानी चाहिए. सो मैन इज सिंगुलर, राइट एस. आपने स्टूडेंट्स जो वर्ड सिंगुलर होंगे उनके ऊपर एस लिख देना, और जो प्लूरल होंगे उनके ऊपर आपने पी लिख देना. एस मीन्स सिंगुलर एंड पी मीन्स प्लूरल. ओके, एम मैन, मैन सिंगुलर है, सो राइट एस. ब्रेड, ब्रेड इज ऑल्सो सिंगुलर, तो यहाँ पर भी आप एस लिखेंगे. ब्रो, ब्रो इज ऑल्सो सिंगुलर. ओके, देर इज नो प्लूरल इन दिस स्टेटमेंट. नंबर टू, The Trojan War lasted for 10 years. जंग का नाम है Trojan War, 10 साल तक चली. ठीक है, अब years, definitely s लग गया है तो ये क्या होगा, plural होगा, तो आप इसको p लिखेंगे. Come to third, the children have gone to the zoo. बच्चे चिड़ियाघर जा चुके हैं. चिल्ड्रन, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया. जू, जू इज ऑल्सो सिंगुलर. नंबर फोर, सम ऑफ द वेमेन हैड बेबीज इन देयर आर्म्स. वेमेन, इसका जो सिंगुलर है वो वुमेन होता है और प्लूरल वेमेन होता है. ओके, सो राइट पी, बेबीज ये भी प्लूरल है, आर्म्स आर ऑल्सो प्लूरल. गीस कैकल एंड डोंकीज ब्रे. जी, गीस प्लूरल हैं, डोंकीज भी प्लूरल है. नंबर सिक्स, माई अंकल्स लाइब्रेरी इज फुल ऑफ बुक्स. लाइब्रेरी सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है. यू मस्ट लर्न हाउ टू अरेंज नाइव्स, फॉक्स एंड स्पून्स ऑन अ टेबल. सो इन इसमें नाइव्स सिंगुलर, नाइफ होते हैं नाइव्स, प्लूरल है ये, टेबल सिंगुलर. नंबर एट, एज डार्कनेस फेल द हंटर्स कुड हियर द वुल्व्स हॉलिंग. सो हंटर्स प्लूरल, वुल्व्स आर ऑल्सो प्लूरल. वी हैड ओनली बॉइल्ड पटैटोज एंड राइस फॉर डिनर. सो पटैटोज आर प्लूरल, राइस सिंगुलर. इट वॉज सो हॉट दैट पीपल were using their handkerchiefs as fans. So handkerchiefs plural, people भी plural है. Okay, next come to next page, page number 5. More about singular and plural nouns. So अब हम students मज़ीद singular और plural के related study करेंगे. Some nouns are always treated as plural. For example, cattle, police. यानी कुछ जो नाउन्स हैं उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा. अब हम उनको पुलिस और पुलिसेज नहीं करेंगे, कैटल, कैटल्स नहीं करेंगे, नो. जहाँ पर ये एज अ सिंगुलर यूज़ होना है, एज अ प्लूरल यूज़ होना है, वो यही वर्ड्स यूज़ होंगे. ठीक है, उनके प्लूरल फॉर्म ही यूज़ होगी. द नाउन क्लॉथ्स, ड्रेस, द प्लूरल ऑफ क्लॉथ इज क्लॉथ्स, हैज़ नो सिंगुलर फॉर्म.
यानी अच्छा हम देखते हैं क्लॉथ्स, जब हम लिखते हैं क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, ठीक है, यानी ड्रेस, हमारे ड्रेस को शो करता है। बट जो रियल क्लॉथ है CLOTH क्लॉथ, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो ये है CLOTHS क्लॉथ्स, ठीक है, इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। ठीक हो गया, समझ आई। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर दे आर द नेम्स ऑफ द ऑफ थिंग्स, ग्लासेस, जीन्स, बाइनोक्यूलर्स, सीजर्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स। जी, कुछ जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में यूज़ होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। हम उनको अपने बोलने में, लिखने में, हम उनको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। अब शॉर्ट्स, ट्राउज़र्स, ग्लासेस, अब हम ये तो नहीं कहते कि मेरी एक ग्लास ले आना, यानी मेरी एक ऐनक ले आना, चश्मा ले आना, नो, ग्लासेस, जीन्स, बाइनोक्यूलर्स, सीजर्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स। सो ये चीज़ें स्टूडेंट्स जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, आप अपने स्पीकिंग में भी जो है इसको करेक्ट करेंगे, यानी आप अपने जब समटाइम्स आप इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग ट्राई करते हैं, तो आपको ये वर्ड्स जो हैं करेक्ट बोलने चाहिए। द प्लूरल फॉर्म नंबर फोर्थ, द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन समटाइम्स हैव मीनिंग्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर सिंगुलर फॉर्म्स। जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ जो नाउन्स होते हैं उनके जब प्लूरल फॉर्म्स लिखते हैं उनका मीनिंग ही चेंज होता है। वैसे तो आम, बाजू, एक बाजू के तौर पर आर्म्स, दोनों बाजू, ठीक है, तो अब ये तो आम हो गया आपके बॉडी पार्ट का नेम, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स ये है ना वेपन्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है, हथियार। मैनर, द वे समथिंग इज़ डन हैपन्स, मैनर मतलब तरीका, सलीका, किस तरीके से कोई काम किया गया है। मैनर्स, बिहेवियर, यानी आपके तौर तरीके, मैनर्स। ग्रीन, द नेम ऑफ अ कलर, ग्रीन डेफिनेटली इज अ नेम ऑफ अ कलर। ग्रीन्स, जब हम इसको करेंगे ग्रीन्स, तो ग्रीन्स का मतलब क्या होगा, ये वेजिटेबल्स को शो करता है, ठीक है, आपको पता है ना सारी सब्जियां ग्रीन कलर की होती हैं, सो ग्रीन्स जो है वो वेजिटेबल्स को शो करता है। न्यू, समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर, न्यू मीन्स कुछ नया, ठीक है, जो पहले कभी ना देखा हो, न्यू। अब जब हम इसको प्लूरल फॉर्म बनाएंगे न्यूज़, तो क्या ये मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा ना, अ न्यूली रिसीव्ड और नॉट वर्थी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ बन जाएगा। न्यूज़ का क्या मतलब होता है, खबर, ठीक है, सो कीप इन माइंड। दो द नेम्स ऑफ सर्टन डिजीजेस, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी और स्पोर्ट्स हैव अ प्लूरल फॉर्म, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। जी, अब आपको बताया जाए डिजीज़ कहते हैं बीमारियों को, कुछ बीमारियों के नाम और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं उनके नाम, स्पोर्ट्स, खेलों के नेम जो हैं वो हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज़ होते हैं, ठीक है, उनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म्स ही हैं, उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ठीक है, उनकी प्लूरल फॉर्म को हम एज अ सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिक्स, मैथ्स को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स, अब इसको सिंगुलर ये तो नहीं कहते मैथमेटिक, नो, इट्स अ रॉन्ग, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, मीजल्स, मीजल्स जो हैं इज अ नेम ऑफ डिजीज। मम्प्स, मम्प्स, डायबिटीज, मीजल्स, मम्प्स एंड डायबिटीज आर नेम्स ऑफ डिजीजेस। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ नेम ऑफ सब्जेक्ट। कार्ड्स, cards, darts, billiards, billiards. So, students, ये क्या है, स्पोर्ट्स के नेम है, सब्जेक्ट्स के नेम है, डिजीजेस के नेम है, ये हमेशा इनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो एज अ सिंगुलर यूज होती है। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक का था, आपने ये अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेने ताकि आपको जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट करने जो कि हमारा टाइटल भी था नाउन्स टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता हो। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।